फॉर्म एक अन्य का प्रभाव नहीं किया भाई, ये अन्य वाली छोड़ देना, हार्दिक पांड्या का बनता ही नहीं ऑलराउंडर रैंकिंग नंबर वन, राशिद को देख। तो रही बात हार्दिक पांड्या की, वो नो डाउट के बहुत अच्छी वो क्रिकेट खेल रहा है। हार्दिक पांड्या ने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने उसको फल दिया है। सर वो बंदा है मुंबई इंडियंस में, तो भाई उन्होंने एफर्ट किया ना, उन्होंने मेहनत की है। लानत तो ऐसी एफर्ट पे यार, पीछे से पैसे लगा कहा के फॉरवर्ड में खेलते थॉमस, ये इसमें T20 में हार्दिक पांड्या ने दिखा के अब उनके मुंह पे चमाट मारी है कि नहीं, लेकिन उनको जवाब उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिया। इसी है वो ऑलरेडी इंडिया के हाथ में, वो कभी कप जितवा कर देती है, कभी वो रैंकिंग देती है, बस इनका ये सारे सिफारिश है। अब बाबर ये जो है ठीक है, उनका पहले बुमराह था, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसने। हाँ जी ठीक है, पर कोई ICC टूर्नामेंट मुझे नहीं लग रहा था, ये कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक लग रहा था जो टीम थी इस टाइम। तो उसने टंडोलकर का रिकॉर्ड, उन्होंने किस किस का रिकॉर्ड उसने तोड़ देने, अगर वो छोटे छोटे आपको ये कहने, मुझे कंक्लूजन करने देना, आप हर मेरी हर बात पे सवाल करेंगे, सवाल ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर। पांड्या, हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया, अगर आज रैंकिंग आती है ICC की रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गए हैं T20 में, क्या कहना चाहिए? ICC रैंकिंग में ऑलराउंड में पहले नंबर पे आ गए हैं पांड्या, क्या कहेंगे पांड्या के वाले से आप? कुछ नहीं कहूँगा, बस उसने क्रिकेट अच्छी खेले तो आया होगा, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो रैंकिंग में फर्स्ट पे आएगा। तो यार वो देखे आया होगा, आपने बोला आया कि मतलब वो परफॉर्म नहीं दिया आज दबा। अच्छा नहीं, परफॉर्म वाली बात नहीं, जो ICC है वो ऑलरेडी इंडिया के हाथ में, वो कभी कप जितवा कर देती है, कभी वो रैंकिंग देती है, बस इनका नहीं, नहीं ये थोड़ा मुझे बताया, कप आपको मतलब जीते नहीं, इंडिया को जितवाया गया है तो ये तो आपको नहीं पता नहीं, नहीं, किस तरह यार आप मुझे बताएं, किस आप मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं आवाम आपको देखेगी बताएगी हाँ वाकई यार ये मसला आया हुआ है। तो पाकिस्तान को कैसे नॉकआउट किया, जब वो देखा था लास्ट में जियोसे के साथ जो मैच हो रही थी, तो इन लोगों ने 2-6 घंटे पहले कोई बारिश हुई ही नहीं थी, उन लोगों ने वो नहीं किया, जब इंग्लैंड और इंडिया की मैच हो रही थी तो कैसे उन लोगों ने एकदम से साफ करके और ग्राउंड को बेहतर बना के खेलने की सूटेबल कर दिया। सर देखे ये तो आप अभी बात कर रहे हैं, मुझे बताएं हमारी पाकिस्तानी टीम तो परफॉर्म ही नहीं, उन्होंने परफॉर्म एक अन्य का परफॉर्म नहीं किया भाई, ये अन्य वाली छोड़ देना, हार्दिक पांड्या का बनता ही नहीं ऑलराउंडर रैंकिंग नंबर वन, राशिद को देखें वो ऑलराउंडर अच्छा 4-4 विकेटें ले रहा है और वो हार्दिक पांड्या की क्या परफॉर्म यार। हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को जिताया है, अपनी लास्ट में जो ओवर करवाया उन्होंने और जो मिलर को उन्होंने आउट किया, फिर कैच आउट हुआ मिलर, फिर सूर्या कुमार यादव ने कैच भी किया। आपको पता है हार्दिक पांड्या के टोटल रन कितने हैं 9 मैचेस में वर्ल्ड कप में? यार आपको मैं बता रहा हूँ उनकी, मैं लास्ट में जो उनकी मूवमेंट्स पे उन्होंने बात की है भाई, देखें लास्ट में जावेद मिदाद ने छक्का मारा था उसको भी हम वर्ल्ड का हीरो करार दे दें। यार देखिए रैंकिंग आती है, रैंकिंग में आप परफॉर्म करेंगे तो रैंकिंग, अभी तो रैंकिंग नहीं, ICC इसका मतलब रैंकिंग नहीं सही दे रहा। अब देखिए ना रैंकिंग दे रहा है, अभी हो गया ये, इसका कोई सस्टेनेबल रैंकिंग नहीं होगा, जल्दी चेंज होगा, क्योंकि पांड्या ऐसा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पांड्या कोई भी इस टीम में बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी, इसके वाइफ ने इसको छोड़ा था, इसके कप्तान उनको नहीं खिला रहा था। नहीं मुझे बताया जब वही कप्तान रोहित शर्मा उनके गले लगा रहे थोड़ा आगे आ गए इसको, वही रोहित शर्मा वो पांड्या जब रोए हैं वही रोहित शर्मा ने गले लगाया था उन्हें, तो भाई कब जिताने वाला ओवर किया था इसी ने गले लगाया ना। तो आप अभी कह रहे कब वो जीता नहीं इंडिया, इंडिया को जितवाया गया है तो यार वो लास्ट वाला केस वो सही था, वो सही था यार, वो तो जब लोगों ने वो तो जान कर उन्होंने गलत किया है, पाकिस्तानी वहाँ में मारी लगी हुई है गलत की याद नहीं हुआ, तो वो तो आपने जूम करके भी देखा है तो वो भाई वो आउट ही था भाई, हमारी हमारे किसी एंकर ने ये बात की तो फिर उसके बाद उसने क्लियर किया था कि भाई वाकई आउट यार। 15 ओवर के बाद दुनिया में कहीं स्विंग होती है गेंद, कौन सी 15 ओवर के बाद स्विंग होती है देखा है आपने? अर्शदीप सिंह ने स्विंग किया बोल, तो क्यों किया है भाई? हो जाती है स्विंग नहीं होती है, किसने कहा? कौन सी क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, आपको नहीं पता क्रिकेट के बारे में? यार मेरी नहीं, क्रिकेट के बारे में बोले आप करते हो, कर सकते हो स्विंग आप? नहीं कर सकते हो, 15 ओवर के बाद स्विंग होती नहीं है, पुराना गेंद हो जाए, पुराने गेंद में स्विंग कौन सा कर, वो आए थे अजदीप। आपका कहने का मकसद है वो बॉल के अंदर कुछ डाला होता है? हाँ वो बॉल के साथ छेड़े हुए छेड़ते हैं, और ये बात मैं बता रहा हूँ दुनिया में अजदीप सिंह से बहुत बड़े बॉलर पड़े हुए। कौन कौन से नाम बताएं? मोहम्मद आमिर है वो क्या कहते हैं तो अफ्रीका वाला, वो मुझे नाम नहीं फ्रीक वाले का नाम, आप नाम बता देना, महाराज की बात करें? नहीं नहीं, और फास्ट जो ब्लेक सा है, जैनसन की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें? नहीं नहीं नहीं, रबाडा जो है, अच्छा, रबाडा और इंग्लैंड का देखे वो टोपले है अच्छे, टेन बोल्ड अच्छे बॉलर पड़े हैं। ये अजदीप सिंह तभी इंट्रोड्यूस हुआ, ये न्यू एडिशन है, 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था भाई वो, तो 2 साल के एडिशन है ना एक तो भाई वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे तो पूरी वो टीम जीता है। आप कह रहे हो नहीं वो भी स्विंग 2 नंबर ही, अच्छा इसका मतलब आप कह रहे हो सारी जो टूर्नामेंट वो भी जो इंडिया के हक में, ऐसा हो सकता है कि 3 विकेट जिनके 4 विकेट आउट हो और 30 बॉल पे 30 रन बनाना वो ना बना सके और वो मैच हार जाए?
तो भाई उन्होंने एफर्ट किया है ना, उन्होंने मेहनत की है। लानत तो ऐसी एफर्ट पे यार, पीछे यार पीछे से पैसे लगा के फॉरवर्ड में खेलते हैं यार। मेहनत भाई किया आपके, हम आपके हमारी टीम ने क्या किया, चलो हमारी टीम ने क्या किया, वो उन्होंने तो किया कि हमारी टीम ने क्या किया। अब देखो जिसको इंग्लैंड स्पॉन्सर कर रही थी चैंपियन ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड स्पॉन्सर कर रही थी, उस वक्त जीते ना वो, कौन इंडिया जीते ना यार इंडिया। देखो अब आपने ये बात की इंडिया, मैं बताओ मैं थोड़ी बात, मेरी बात 2022 में इंडिया ही बाहर हुआ था, आपको पता है 2022 में बोला पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, और फाइनल भी कौन जीता आपको पता ही है, इंग्लैंड जीता। हाँ तो मुझे बताया आपने बोला क्यों इंडिया नहीं जीता इस बार, बता रहा हूँ ना T20 के स्पॉन्सर कौन थे उस वक्त यार, T20 इंग्लैंड था यार स्पॉन्सर यार, वही तो करवा रहा था टूर्नामेंट। देखे ना इंग्लैंड स्पॉन्सर था, चैंपियन ट्रॉफी के स्पॉन्सर कौन था 2017 में, मुझे उसका नहीं पता, इंग्लैंड ही था, उसमें कौन जीता, पाकिस्तान जीता। अभी जो अच्छा, आपका कहने का मतलब जब इंडिया में जो परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान को पहले ही बाहर निकाला, आपको ये कहने मुझे कंक्लूजन करने देना, आप हर मेरी हर बात पे सवाल करेंगे, सवाल ही रहेगा सवाल है, करें आप। मुझे कंक्लूजन का मतलब ये है, देखें इस दफ़ा डॉलर चला है, और इस दफ़ा कोई ICC टूर्नामेंट मुझे नहीं लग रहा था, ये कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक लग रहा था भाई। अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया विदाउट क्वालिफाइंग, वो अभी जिम्बाब्वे खेल रही थी इस दफ़ा, क्यों नहीं जीत के आई थी, फिर बाद में यूएसए के ऊपर डॉलर चल गया पाकिस्तान के ऊपर यार, ये तो पता नहीं आपने यार, ये अपने पास से बाद में डॉलर चल गया, मतलब आपका ये कहने का मकसद है T20 में भाई ICC T20 में टोटली डॉलर चला है, नहीं भाई टोटली फेयर नहीं हुआ ये मतलब मैच, ये T20 सही नहीं, ये भी कहूंगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ ये अप टू द मेरिट नहीं हुआ। अच्छा मतलब पांड्या भी नहीं डिजर्व करते थे भाई, पांड्या की आप उठा के 2 साल की परफॉर्मेंस देखो, कोई परफॉर्मेंस है आपका, हार्दिक पांड्या ने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने उसको फल दिया है। सर वो बंदा है मुंबई इंडियंस में, उनको ट्रोल किया गया, उनको बोला गया ये छपरी है छपरी है, और जब हार्दिक पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस दी और रैंकिंग नंबर 1 पे आया, जो उन्होंने T20 में अपनी मतलब वर्ल्ड कप जितवाया T20 का, अपनी मुल्क को और अपनी जो टीम को जितवाया, फिर उसके बाद रोए भी हैं, उन्होंने बकायदा बात की कि मुझे छपरी बोला था, मैंने वही ऑडियंस का मुंह बंद करा, क्या कहेंगे इस वाले सर आप? देखिए गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, बिल्कुल ऐसे जिस बंदे ने जिसने भी हार्दिक पांड्या को कहा कि जी आप छपड़ी हैं, ठीक है, उनको ट्रोलिंग करने की कोशिश किया था मुंबई इंडियंस में किया है, अब अपनी परफॉर्मेंस ये इसमें T20 में हार्दिक पांड्या ने दिखा के अब उनके मुंह पे चमाट मारी है कि नहीं? मारी है सर, डेफिनेटली मारी है चमाट, तो फिर मुझे भी लगता है आपको भी लगता है चमाट लगी है, अब जिनको लगी है अब उनका क्या असर होगा, वो महसूस कर रहे होंगे, वो पता चल रहे होंगे। अच्छा आप मुझे सर ये बताया, अगर बात करें पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अगर शदाब की बात करें, चाहे शदाब को छोड़ दे अमाद वसीम की बात करें, हमारे कोई भी रैंकिंग में नहीं आते यार, अगर बात हमारी तो बाबर साहब भी अपनी रैंकिंग से नीचे आ जाते, अब ODI में पहले नंबर पे है, तो दूसरे फॉर्मेट्स में देखो रिजवान थे दूसरे नंबर पे, वो भी 7-8वें नंबर पर चले, क्या कहेंगे सर हमारी तो रैंकिंग में नहीं आती, इंडिया अपनी ODI में भी रैंकिंग में है, T20 में भी रैंकिंग में, ऑलराउंडर में भी रैंकिंग में है वो। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है, आप वो देखें वो किस रैंकिंग पे आ गया है, ठीक है, वो तो डेफिनेट पता है मुझे रैंकिंग। अब कोई बंदा कोई भी सियासतदान कोई भी पाकिस्तान को संभालने वाला अब ये तो सोच नहीं रहा कि पाकिस्तान वो किस नंबर पे आ गया, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स को वो कहाँ देखेंगे, स्पोर्ट्समैन को वो कहाँ देखेंगे, ठीक है, इसलिए ये सारे सिफारिश है। अब बाबर ये जो है सॉरी शदाब खान, मेरे ख्याल में इसको भी सिर्फ काउंटी वगैरह खेलनी चाहिए, अभी जो लंका प्रीमियर लीग हो रही है हैट्रिक किया जी, उसमें उन्होंने हैट्रिक की है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं समझता हूँ उनको सिर्फ काउंटियाँ वगैरह ही खेलनी चाहिए, पाकिस्तानी टीम में अब उनकी कोई जगह नहीं है, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अभी सर्जरी होनी है, वो सर्जरी यही होनी है, ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कौन लीगों में परफॉर्म कर रहा है और किसने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे पांडे के वाले सेकंडर अगर पहले रैंकिंग पे आ गए, क्या कहेंगे सर हार्दिक पांडे को 2-3 अल्फाज में, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी T20 के अंदर और अपनी रैंकिंग पे लेके पूरी दुनिया को उन्होंने मुंह बंद करवा दिया। देखें ICC में जो ज्यादातर जजेस बैठे हुए हैं ना वो इंडिया के ही हैं, ये डेफिनेटली सबको पता ही है, ठीक है, अगर वसीम खान जो है ना वो अपने हक में पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करेगा तो इंडिया वाले जो है वो उनका तो मिशन ही यही है कि हम हर फील्ड में आगे आए और वो आ भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट।
लेकिन वसीम खान जो है ना, वो अगर अपने हक में, पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करेगा तो वो उसको हटा दिया जाएगा। आईसीसी की रैंकिंग होती है जो पूरी दुनिया में जाती है। अगर आप ये बात करें कि इंडिया को ही रैंकिंग में डाला जा रहा है, तो हमारी रैंकिंग में तो ओडीआई में इस टाइम जो बाबर आजम साहब बैठे हुए हैं, तो उनको भी निकाल दे, फिर वहाँ पे हम शुभमन गिल को ले आते हैं, शुभमन गिल दूसरे नंबर, रोहित शर्मा को हम ले आते हैं। नहीं, अगर ऐसा वो करेंगे तो वो तो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि ये तो खुलम खुला दो नंबर ही कर रहे हैं। अब जो किंग है वो किंग है बाबर आजम। यूट्यूब पे देख लें, इसी भी चैनल पे जाके बाबर आजम को देख लें, वो नंबर वन पे आ रहा है। हालांकि रोहित शर्मा जो है ना, सॉरी रोहित शर्मा का मैंने नाम ले लिया, क्या नाम है उसका, सूर्य कुमार यादव नहीं, ओपनर जो आता है ये इनका इंडिया का, कोहली, कोहली कोहली, ठीक है। कोहली ने जो है ना वो बाबर आजम से ज्यादा इनिंग्स खेली है, उसका रन कम है, बाबर आजम ने कम इनिंग्स के लिए, उनके रन ज्यादा है। सर मेरी बात सुने, आपके बाबर आजम चलते हैं जम बाबर, और वो बात करें नेपाल बांग्लादेश, वो बंदा खेलता बड़ी बड़ी टीमों के साथ, उस बंदे ने जो ये परफॉर्म दिया अपनी टीम को जिताया, वो बड़ी टीम का वो बैट्समैन है, वो छोटी छोटी टीम से इस टाइम तो उसने टंडोलकर का रिकॉर्ड, पता किस किस का रिकॉर्ड उसने तोड़ देने, अगर वो छोटी छोटी टीमों से खेलता। वो देखे छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जो है ना, वो पहले तो बाबर आजम को खेलना नहीं चाहिए। हाँ, तो विराट कोहली की बात, विराट कोहली नहीं खेलता है, वो नहीं खेलते। हाँ, बड़े प्लेयर जो होते हैं वो जो है ना वो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ वो खेलते ही नहीं, नहीं खेलते है, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी अना होती है, क्योंकि लोगों ने जो है ना वो कमेंट करने होते हैं, अगर उसमें वो छोटी टीमों के खिलाफ वो खेल के अगर ज्यादा स्कोर करेगा, सेंचुरी करेगा, वो कहेगा जी आगे वाले जो होते हैं वो तमाशाई, और लोग कहेंगे देखो जी छोटी टीमों के खिलाफ खेल के सेंचुरी कर रहा है, ये कर रहा है, और बड़ी टीमों के खिलाफ इनको खेलना नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो फिर लोगों की जो बातें हैं उनकी जात में आ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया आपसे। चलिए, आज आईसीसी की रैंकिंग आती है जो कि हर वीक में आती है, और वेनर्सडे को आज उनकी रैंकिंग आई है, और सर रैंकिंग में तो बात की, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले नंबर पर आ गया, दुनिया के पहले ऑलराउंडर्स में उनका नंबर आ गया, क्या कहना चाहेंगे सर? ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या में जो T20 के अंदर जो ने परफॉर्मेंस दिया है, क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या के वाले से आप? सर देखें, पहली तो बात ये है कि वो उनकी सारी टीम ही बहुत मेहनत करती है, बिल्कुल ठीक है। अभी देख लें आप, उनको उनका बनता भी था ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना, ठीक है। तो रही बात हार्दिक पांड्या की, वो नो डाउट के बहुत अच्छी वो क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग में भी सर जलवा दिखा रहे हैं और बैटिंग में भी जलवा दिखा रहे हैं। सर जो लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर जिसमें अपनी टीम को जिता गए हैं, देखिए हमारे भी ऑलराउंडर है शदाब साहब, मगर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। पांड्या की बात करें, पांड्या भी अच्छा परफॉर्म, उनका जेजा ने अपनी रिटायरमेंट ले लिया, और पांड्या के हवाले से मुझे बताया एक बंदे को ट्रोल किया गया पूरी दुनिया के अंदर, छपरी छपरी के नाम से ट्रोल किया गया मुंबई इंडियंस में, अब क्या कहेंगे सर? अब तो उनका जो कि उनकी रैंकिंग भी आ गई पहले नंबर पर। सर ये तो लोग तो बातें करते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये चाहिए कि इग्नोर करे, अपने गेम पे फोकस करे, ठीक है। तो रही बात ये जो उनके रिटायरमेंट ही की जो कोहली ने ली है, रोहित शर्मा ने ली है, जडेजा ने ली है, ठीक है, लेकिन इनके जाने की वजह से उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा उनकी टीम को। सर पांड्या को तो कप्तान बना दिया गया है, उन्होंने कहा फ्यूचर का ये कप्तान है पांड्या। सर देखें, अब जो कोहली था आपको पता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर था, ठीक है, पहले मेरे ख्याल से 9 मैच या 10 मैच में वो फ्लॉप ही रहा है, ठीक है, आखिरी मैच जो था ना वो फाइनल में वो चल गया, उसने साबित किया कि मैं वाकई ही बड़े मैच का प्लेयर हूँ। सर देखें, एक बंदे को ट्रोल किया गया मुंबई इंडियंस में, उनको छपरी कहा हुआ, पांड्या का जी इसको निकाल दो, इसको कप्तान नहीं बना, आज उसने उस बंदे ने रोके, रोहित शर्मा जब गले मिले हैं, जब ट्रॉफी जीते हैं गले मिले हैं, और फिर रोए भी हैं, उन्होंने कहा मैंने उन लोगों का मुंह बंद कराया जिन्होंने मुझे छपरी बोला था। ये तो है, वाकई उसने उन लोगों का मुँह बंद करवाया कि जिन्होंने उनको गलत कहा, छपरी बोला, जो भी कहा, ठीक है, लेकिन उनको जवाब उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिया। हाँ ये बात, हमारे भी तो हैं ना, क्या हमारे करें, हमारे तो जवाब भी नहीं दे पा रहे। हमारे ऑलराउंडर शदाब की बात करें, अमाद की बात करें, वो कब आपने रैंकिंग में देखा उनको कभी? सर सिर्फ मैंने बाबर आजम को और रिजवान को देखा है, जब से मैं क्रिकेट का शौक रखता हूँ, जब से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद कोई भी नहीं आया मेरे ख्याल से, ना शहनशाह अफरीदी आया, ठीक है, रैंकिंग में पहले दूसरे नंबर पर, ठीक है, उनका पहले बुमराह था, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसने, हाँ जी ठीक है, उनका नंबर वन बॉलर है और वाकई ही वो परफॉर्म करता है हर मैच में।
ठीक है, उनको ये बहुत बेनिफिट है कि उनके दोनों बॉलर ही, एक मोहम्मद सिराज और एक ये, और एक ऊपर से हार्दिक पांड्या, हाँ ठीक है, ऑलराउंडर, उनको ये बहुत फायदा है कि वो बैटिंग भी कर लेता है हार्दिक पांड्या। जो परफॉर्मेंस आपने मैच देखा है T20 के इस दफा? सर मैंने फाइनल थोड़ा सा देखा है, ज्यादा नहीं देखा। आप पांड्या की आपने बॉलिंग बैटिंग देखी थी? जब वो मैंने उसका आउट देखा था जो उसने, वो मिलर थे, हाँ वो मिलर थे, तो ये है कि उनकी टीम वाकई बहुत अच्छी है, अभी उनको फर्क पड़ेगा। आप फर्क पड़ेगा, आप फर्क पड़ेगा, रोहित शर्मा के जाने से, विराट कोहली के जाने, हाँ उनसे जाने, और भी हैं दो तीन नाम, जिनेजा और वो अश्विन है, और भी एक दो नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन इनके जाने से उनको जरूर टीम को फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, बहुत शुक्रिया।